देखिए दोस्तों, जो सुंदरता दिख रही है आपको, प्राकृतिक सुंदरता, ये अरावली की पहाड़ियाँ है, बिल्कुल हरियाली से अच्छा देखिए। इस समय हम खड़े हुए हैं पूर्वी राजस्थान के करौली ज़िले में स्थित घंटेश्वर जी महाराज के मंदिर के पास में स्थित बरसाती नदी में। दोस्तों, घंटेश्वर जी में महादेव जी का मंदिर है, शिवलिंग है प्राचीन, जो प्राकृतिक रूप से यहाँ पर अवतरित हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा क्षेत्र ही हरियाली से आच्छादित रहता है बरसात के दिनों में। देख सकते हो चारों तरफ का आप नज़ारा, देखिए कितना सुंदर नज़ारा, ये देखिए कल 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 करके बहती हुई नदी, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, पानी की आवाज़ चारों तरफ बहने की, देखिए। और ये प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर जगह है, और ये जो जगह आती है, ये आती है, देखिए दोस्तों थोड़ा आगे का मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये देखिए पथरीला इलाका है पूरा, अभी बरसात हुए लगभग 15 दिन का समय हो गया है, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं है, दोनों तरफ पानी आ रहा है, बीच में पानी नहीं आ रहा है। और देख सकते हो ये बिल्कुल प्राकृतिक जगह है, देखिए और देखिए ये देसी जामुन के पेड़ कितने खड़े हुए हैं, जामुन के पेड़ ज़्यादातर ऊपर की तरफ, ढोकड़े के पेड़ है, और इसमें कथीरा तो गोंद होता है, कथीरा उसके पेड़ ही बहुत है। देखिए साथियों कितना सुहावना मौसम है और कितना शानदार नज़ारा है। अभी थोड़ी देर पहले हल्की बूंदाबांदी हुई थी यहाँ पर, देखिए कितना सुंदर नज़ारा, ये देखिए चारों तरफ पानी की कलकलाहट की आवाज़ आ रही है, और ये देखिए कदम के पेड़ भी है यहाँ पे, ये कदम का पेड़ देखो, और उस तरफ ऊपर ढोकड़े के पेड़ है, चीले के पेड़ भी है। प्राकृतिक जो संपदा है वो पूरी है यहाँ पर। और ये जो क्षेत्र है ये अभी आता है केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत। यहाँ पर अभी गवर्नमेंट का बाघ परियोजना का प्रोजेक्ट चालू है, और यहाँ पर जो आदिवासियों के गांव स्थित है उन गांवों को जल्दी ही यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि उनको नोटिस मिल चुका है। वैसे सरकार है जो टाइगर रिजर्व के नाम पर ट्राइबल्स क्षेत्र को खाली करवा रही है, ये बहुत गलत है। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, केवड़िया जो गुजरात में स्थित है, वहाँ से बस्तर से और बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ से आदिवासियों को विस्थापित किया गया है, और वही खेल पूर्वी राजस्थान के सिस्टम चल रहा है कि केला देवी बाघ परियोजना के नाम पर यहाँ के गांवों को विस्थापन का नोटिस थमा दिया गया है, और विकास का झांसा देकर और बाघ परियोजना का नाम लेकर इस प्राकृतिक संपदा का दोहन करने के लिए, और ये बाघ परियोजना यहाँ पर
प्रोजेक्ट की गई है। देखिए आप, ये नेचुरल जगह है जो प्रकृति की सुंदरता से भरपूर है। देखिए प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर, देखिए प्राकृतिक सुंदरता आप देखिए यहाँ पर, प्राकृतिक सुंदरता से आच्छादित पूरा वन क्षेत्र। देखिए कितनी मधुर आवाज़ कल 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 की। देखिए उधर अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर देखिए आप कितनी हरियाली है। देखिए हरियाली से आच्छादित अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदरता। दोस्तों विकास का सहारा लेकर, बाघ परियोजनाओं का सहारा लेकर आदिवासियों को अपने इलाकों से विस्थापित किया जाता है, अपनी प्रकृति से दूर किया जाता है। और ये आज की कहानी नहीं है साथियों, ऐसा बहुत समय से होता रहा है। जितने प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन करने के लिए आदिवासियों को उनके जंगलों से विस्थापित किया जाता है, उनके जल जंगल जमीन पर अधिकार जमाने के लिए बहुत गहरी साजिश के तहत केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करती है जिनका हवाला देकर वो आदिवासियों को विस्थापित कर सके। अभी हाल ही में वनाधिकार अधिनियम 2023 को लॉन्च किया गया है, तो उसमें भी आदिवासियों को मूल अधिकारों से वंचित किया जाएगा और अपने जंगल क्षेत्र से, ट्राइबल क्षेत्र से, वन क्षेत्र से उन्हें विस्थापित करने की पूरी साजिश रची जा रही है। साथियों हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे लोग जो चंद पार्टियों के टुकड़ों पर पलते हैं वो भी इस क्षेत्र में पूरा इस क्षेत्र को, अपने बंद क्षेत्र को हमसे दूर करने के लिए, वनों से आदिवासियों को वंचित करने के लिए और ऐसे कॉरपोरेट घरानों का साथ देते हैं, बहुत ही बुरी बात है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि अपने अधिकारों को समझो, अपने कर्तव्य को समझो और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए संघर्ष करो। ये उलगुलान रुकना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, उलगुलान ही समस्या का समाधान है। साथियों जय प्रकृति मैया, जय आदिवासी, जय हिंद, जय संविधान।